वेलकम टू इम्पल्स आईडी जेई। इम्पल्स आईडी जेई में आपका स्वागत है। देखिए आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनुलिन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एनुलिन। एनुलिन होता क्या है सर? एनुलिन एक क्या होता है, एक कार्बन का फ्यूज्ड फॉर्म होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, CnHn। जी हाँ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnHn। नजर आ रहा है आपको, जिसमें n का वैल्यू जो तुम ले सकते हो, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, और n क्या है यहाँ पर H के नीचे n क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो अगर हम बात करेंगे n का वैल्यू कहाँ से कहाँ हम लोग लेना है, n का वैल्यू या तो 10 होना चाहिए या 10 से ज्यादा होना चाहिए। बहुत सारे बुक्स में देखा लिखा हुआ है कि C6H6, बताइए क्या है, ये मेरा है बेंजीन। क्या ये बेंजीन? तो बताइए अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप बोले सर CnHn, तो ये क्या होता है, n का वैल्यू कितना रखे सर, n का वैल्यू 6 रखिएगा तो C6H6 आ जाएगा। ये भी एनुलिन के अंदर में आना चाहिए सर। हाँ सर, बहुत सारे बुक्स में दिया भी है, बहुत सारे बुक्स में नहीं भी दिया है। तो जनरली आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेंजीन भी एक एनुलिन होता है, बट क्या है, आज उस कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका एन का वैल्यू क्या हो, या तो 10 हो या 10 से बेसी वाले सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और यहाँ एन जो आप देख रहे हो वो इवन नंबर में होना चाहिए, मतलब अगर एन का वैल्यू अगर 10 आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, 10 एनुलिन। अगर एन का वैल्यू 12 आएगा तो क्या बोलोगे, 12 एनुलिन। अगर 14 आएगा तो 14 एनुलिन। क्या बोलोगे, 16 आएगा तो 16 एनुलिन। ऐसे सो ऑन 18 एंड 20 एंड 22, राइट? ठीक है, तो चलो एनुलिन होता क्या है आपको समझ में आया। तो पहला मैं एनुलिन पर डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम क्या है, N10, मतलब 10 एनुलिन, 10 एनुलिन। और इस 10 एनुलिन को आप ध्यान से देखो, 10 एनुलिन को आप ध्यान से देखो, ये क्या है, एनुलिन को ध्यान से देखो, देखो कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है बोलो, 2 4 6 8 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो आप क्या बोलेंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बताइए, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, आपको लग रहा है ना, बताइए 2 4 6 8 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। बट एक्चुअली तुम सही हो, ठीक है, मैं इस कंपाउंड को थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन जो तुम देख रहे हो ये एक्चुअली तुम्हारा इस फॉर्म में नहीं होता, ये एक्चुअली तुम्हारा इस फॉर्म में होगा। देखो ठीक है, ये देख रहे हो, मैं थोड़ा सा अच्छा सा बना देता हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखो, ठीक है, देखिए पाई सिग्मा पाई, बताइए यहां कितना है, 2 4 6 8 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, फ्यूज सिस्टम है ना, फ्यूज्ड है। अब बताइए ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सही है सर, बट एक्चुअली क्या होता है ना, क्या होता है कि इस कंपाउंड को अगर तुम ध्यान से देखो कि कार्बन के पास अगर तुम देखो, ये कार्बन sp2 है, अगर वो कार्बन sp2 है, ये भी कार्बन sp2 है, तो sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है बताओ, तो बॉन्ड ट्रायंगुलर प्लेनर होता है ना, तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120। हाइब्रिडाइजेशन आप किए हो तो आप बताओ कि अगर ये कार्बन आपका sp2 है तो sp2 का क्या होता है, एंगल कितना होता है, 120। अगर 120 है तो ये भी 120 होना चाहिए, तो इसलिए 120 को मेंटेन करने के लिए देखिए ये कार्बन आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, और एक हाइड्रोजन कहाँ होगा, यहाँ होगा, और ये देखिए इस कार्बन, देखिए ये भी sp2 है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो इसका हाइड्रोजन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, राइट? तो देखो एंगल कितना है, 120। इसका एंगल कितना है बताइए, ये भी एंगल कितना है, 120। तो बताइए 120 का एंगल के रिस्पेक्ट में मैं अगर बात करूं तो इनके हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, रिपल्शन। तो हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन होने की वजह से हम ये बात बोल सकते हैं क्या सर, रिपल्शन होगा, एरोमेटिसिटी खो देगा, और रिपल्शन होने से ये आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा, आउट ऑफ प्लेन आने की वजह से ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो आप ध्यान रखिए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, तो ध्यान रखिए ये जो आप देख रहे हो 10 एनुलिन जो होते हैं वो कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। बोलिए समझ में आया, क्लियर है? आइए अब इसमें देखते हैं 12 एनुलिन में देखते हैं। तो 12 एनुलिन को अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें देखो कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12 है, 12 कार्बन है तो 12 एनोलिन। अच्छा इस 12 एनोलिन को अगर ध्यान से देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सभी सब कंजुगेशन है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। जब 12 होगा तो बताइए 12 अगर बात करेंगे यहां पर तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहा है, जब 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो बताइए 4n किसको फॉलो कर रहा है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जब 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो आप क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, चार चार हाइड्रोजन है, चार चार हाइड्रोजन है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, सॉरी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो हाईली अनस्टेबल, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या करो, आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा। अब जैसे ये आउट ऑफ प्लेन आएगा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का रिपल्सन है। देखो अगर एरोमेटिक कंपाउंड होता तो हाइड्रोजन का रिपल्सन डोमिनेट नहीं करता, और ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली तो अनस्टेबल होते हैं ना। अगर अनस्टेबल है भैया तो बताइए अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये हाइड्रोजन के रिपल्सन को डोमिनेट कर लेगा और ये आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा, और आउट ऑफ प्लेन आने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ टेंड कर जाएगा, क्या कर जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, बट बाय द हाइड्रोजन रिपल्सन, ठीक है हाइड्रोजन रिपल्सन यहाँ पर क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, जिसके वजह से हम क्या बोल सकते हैं ये किसकी तरफ टेंड कर लेता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। बोले समझ में आया, चलिए बहुत अच्छा। एनोलिन, अब एनोलिन में मैं बात करूंगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ बताते हैं, ठीक है। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स में अगर ध्यान से देखिए इसमें कितने कार्बन होंगे, 14 होंगे। अब 14 में ध्यान से देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान से देखिए, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। तो बताइए यहां पर कितना है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, हकर सुन लगाइए, क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो अब ये बताइए ये कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड। अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता होगा, सर क्या यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, सर अभी भी तो हाइड्रोजन है, सर यह हाइड्रोजन तो है, बताओ हाइड्रोजन तो है, यहां पर क्या था, बैक में देखो क्या था, यहां भी तो हाइड्रोजन था, मगर ये बाबू ध्यान रखना ये क्या था, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड था। जब ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है तो इसको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनने के लिए अपना हाइड्रोजन के रिपल्सन को डोमिनेट कर ले रहा है ना, बोलेगा मेरे पास हाइड्रोजन रिपल्सन हो रहा है, हम आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड चल, क्योंकि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल, इसलिए ये एंटी से नॉन की तरफ भाग जाता है, ओके। बट यहां पर ध्यान देखो, ये तो सीधा बात है रिपल्सन तो हो रहा है, मगर यहां पर रिपल्सन डोमिनेंट फैक्टर नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज द एरोमेटिक कंपाउंड, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन का रिपल्सन काउंट नहीं होगा, समझ में आ रहा है। चलो आते हैं 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 16 एनोलिन के बारे में बात करते हैं। तो 16 एनोलिन में ध्यान से देखो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब लगाओ 4n, n के बारे कितना होगा 4, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। तो बताइए ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए, बट बाबू ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता, क्या नहीं होता, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये तो अनस्टेबल है ना, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, अनस्टेबल। जब अनस्टेबल होंगे तो ये अपने आप को हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, रिपल्सन फिल करवा के ये कहाँ भाग जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। तो ड्यू टू द हाइड्रोजन रिपल्सन ये कहाँ चला जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हाईली क्या होता है, उसके कंपेरिजन में हाईली स्टेबल, किसके कंपेरिजन में, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ में रिस्पेक्ट में। आओ अब बात करते हैं एंटी एनोलिन, बात कर लेते हैं। तो एंटी एनोलिन में मैं देखूंगा यहां पर, क्योंकि यहां पर 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 18 के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोल सकते हैं कि सर 18 पाई इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर अगर हम बात करें क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो बताइए 4n+2, तो 4n प्लस 2 अगर बात करते हो तो n का वैल्यू कितना रखिए, 4 रखिएगा, तो 4 इंटू 4 कितना होगा, 16 प्लस 2 कितना हो जाता है 18।
तो 18 अगर बात करते हैं तो बताइए, आप ही खुद बताइए फटाफट, 18 पाइलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ हाइड्रोजन रिपल्सर्स काउंट नहीं होगा, तो बताइए 18 पाइलेक्ट्रॉन जो होगा मतलब एरोमेटिक होगा, क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है। ओके आइए मैं इसको मिटा देता हूँ, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। 20 एनुलिन, 20 एनुलिन कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए, ओके कहीं से भी स्टार्ट करिए, पाई पाई पाई, ओके ये है आपका 20 एनुलिन, गिन लीजिए यहां से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अब ये 20 एनुलिन अगर ध्यान से देखेंगे बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 4 6 8 10 22 है 12 20 होगा, 20 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 18 एनुलिन है तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन, 20 है तो 20 पाई इलेक्ट्रॉन, 20 पाई इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर आप क्या बोलेंगे, 4n लगा लीजिए, n का वैल्यू क्या रखिएगा 5, तो 5 2 जा कितना 5 4 20 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है एंटी होता है, तो क्या ये एंटी है, नहीं है सर, अपने आप को रिपल्सन करके आउट ऑफ प्लेन आ जाएंगे, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का बहुत सारा रिपल्सन है यहाँ पर, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, है ना, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे, तो हाइड्रोजन के रिपल्सन से ये आउट ऑफ प्लेन भाग जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, क्यों, क्योंकि ये स्टेबल है, क्लियर, आ जाते हैं 22 एनुलिन, ये सब आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, एनुलिन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन लेवल पर है, 20 एनुलिन अगर बात करते हो तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो यहाँ कितने बड़े कंपाउंड है, 22 एनुलिन, तो इसमें अगर बात करते हैं तो 22 एनुलिन में अगर बात करें पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका मतलब अब 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो आप क्या बोलेंगे, सर 4n प्लस 2 लगा लीजिए, इन वाली कितना 5 5 4 20 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बताइए क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, क्यों, क्योंकि ये स्टेबल है, इसमें हाइड्रोजन रिपल्सन नहीं होगा। एक बहुत अच्छा पेरिफेरल का एग्जांपल आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, पेरिफेरल में ऐसा देखो, एक इसका ऐसा एक स्ट्रक्चर है, फिगर देखो इसका, ठीक है ना, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, ओके, तो इस फिगर को अगर ध्यान से देखो तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल, पेरिफेरल भी क्या होता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, क्या होता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, और इस पेरिफेरल में अगर ध्यान से देखो, ये पाई जो तुम देख रहे हो एज अ नॉर्मल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के जैसा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इज द आउट ऑफ प्लेन, नॉट इज अ प्लेनर, तो ये अगर आउट ऑफ प्लेन है, बाकी सब देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाले, सब साइड बाय साइड क्या है, प्लेनर है, बट ये थोड़ा सा उभरा हुआ है सामने की तरफ, तो ये सारा क्या करता है, ये सारा प्लेनरिटी बनाए रखता है, तो रेजोनेंस तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां हो रहा है, बट इसमें रेजोनेंस नहीं होता, एज अ नॉर्मल एल्किन की तरह बिहेव करता है, अगर तुम इसका रिएक्शन करना चाहते हो एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन किस पर होता है, इस पर ही होता है, ओके बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे, तो एक चीज का ध्यान रखे, ध्यान रहे बाबू, ध्यान रहे इस पेरिफेरल में, पेरिफेरल बच्चे फंस जाते हैं, क्यों, क्योंकि सर पेरिफेरल में बच्चे इसलिए फंसते हैं क्योंकि यहाँ पर तुम देखो, देखो कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 जा कितना होता है 16 पाई इलेक्ट्रॉन इज द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, बगैर ध्यान रखना ये वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं लेगा, ये आउट ऑफ प्लेन होता है, ये क्या होता है, मैं बोल रहा हूं आउट ऑफ प्लेन, ये प्लेन के आउट ऑफ होता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं कि देखिए ऐसे ये 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 सब ये देखिए ये क्या है प्लेन में है, तो यहां से यहां रेजोनेंस ऐसे हो रहा है, रेजोनेंस यहां हो रहा है, बट ये वाला अल्किन जो है यहाँ रेजोनेंस, ये आउट ऑफ प्लेन है, इसी तरह से ये है, तो ऐसे देख रहे हो ना, तो यहाँ यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, बट ये वाला अल्किन जो देख रहा है ये आउट ऑफ प्लेन है, जिसकी वजह से रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना है पेरिफेरल एज ए नॉर्मल अल्किन है, ये अल्किन ये अनसैचुरेशन जो देख रहे हो एज ए नॉर्मल है, बाकी ये सारे देख रहे हो, तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा लो, बाकी कितना था
22 मैंने आपको बताया ना, कितना 1 2 3 4 5 6 14, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, 14 पाई इलेक्ट्रॉन इज एरोमेटिक कंपाउंड, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ बिहेव करता है। ओके, बात समझ में आया? तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए मैंने आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ, बहुत अच्छा से अच्छा लेक्चर दे रहा हूँ, आप लोगों को हर एक चीज क्लियर करा रहा हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड का हर एक टॉपिक से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, हर जगह शेयर करें। आज आप लोग का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में इसका हम लोग एप्लीकेशंस करेंगे और एप्लीकेशन हम लोग का लास्ट होगा। तो लेक्चर नंबर 4 का आपको इंतजार रहे, आप वेट करें तो बहुत जल्दी इंपल्स आईटीजे की तरफ से और आरएस सर की तरफ से आपको लेक्चर नंबर 4 का वीडियो अपलोडेड बहुत ही जल्दी किया जाएगा। चलो ठीक है, लाइक करें, बाय।